Yes, this is a Q&A video. Hello friends, मैं आकाश और आप देख रहे हैं टेक्निकल्स का YouTube चैनल। So, जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैंने कम्युनिटी टैब पर एक पोस्ट अपलोड किया था, उस पर मैंने लिखा था कि Q&A video is coming soon, and मैंने उस पर कुछ क्वेश्चंस पूछने के लिए बोले थे, and मुझे पता नहीं क्यों उस पर सिर्फ 40-45 क्वेश्चंस आए थे। इतने कम क्वेश्चंस, शायद सभी को मेरे बारे में सब कुछ पता है। एनीवेज, आज के वीडियो पे मैं देने वाला हूँ इन सभी क्वेश्चंस के आंसर जिन्होंने भी मुझको हैशटैग आस्काई लिखकर क्वेश्चंस पूछे थे उस पोस्ट पे, एंड इससे पहले भी मैंने एक Q&A का वीडियो बनाया था। दैट्स व्हाई स्टार्ट करते हैं आज का Q&A सेशन नंबर 2। एंड अगर आपको अभी भी कोई भी क्वेश्चंस पूछना हो तो फिर आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन पर #AskKai लिखकर कोई भी क्वेश्चंस पूछ सकते हो, मगर थोड़ा हटके टाइप के क्वेश्चन पूछना, ठीक है? सो फर्स्ट क्वेश्चन पे निश्चय कुरे पूछते हैं कि आपका फेवरेट स्मार्टफोन कौन सा है। 15,000 के रेंज पे बोलो तो फिर मी A1, अदरवाइज OnePlus 5T। उसके बाद हरित पूछते हैं कि भाई टेक यूट्यूबर हूँ, भाई ग्रो की थोड़ी टिप्स एंड ट्रिक्स दो। अच्छे कंटेंट के साथ क्वालिटी वीडियोस अपलोड करते रहो रैंडमली, इसके अलावा मेरे पास कोई भी ट्रिक्स नहीं है। उसके बाद मुंतहा खान पूछते हैं कि आपने यूट्यूब पर चैनल क्यों खोला। एक्चुअली यूट्यूब पर चैनल खोलने का कोई रीजन तो था नहीं, लेकिन मैं वीडियोस पर जो भी दिखाता हूँ उसके बाद जो भी बोलता हूँ वो एक्चुअली मैं मतलब यूट्यूब के अलावा भी करता रहता हूँ, मतलब रिसर्च वगैरह सब कुछ करता रहता हूँ। लाइक एंड्रॉइड के एप्लीकेशंस के ऊपर रिसर्च करना कि इसका फीचर्स क्या है, उसके बाद फैसिलिटीज क्या है। उसके बाद जब जियो आया उसके बाद मैंने सोचा क्यों ना एक चैनल ही खोल लेते हैं, दैट्स व्हाई मैंने चैनल को ओपन किया, और कुछ नहीं। उसके बाद हर्ष पूछते हैं कि आपका फेवरेट यूट्यूबर कौन है। टेक्निकल चैनल की बात करो तो फिर टेक्निकल सागर ऑफ कोर्स, एंड रही बात रोस्टिंग चैनल्स की तो फिर यो। उसके बाद टेक्निकल रिव्यू पूछते हैं कि हाउ टू डू मैनेज स्टडी एंड यूट्यूब। ये आपके ऊपर है, टोटली आपके ऊपर है। बेसिकली मैं उतना स्टडी पे उतना ध्यान तो देता नहीं, अगर देता तो फिर क्या टॉपर हो जाता है ना। स्टडी पर सिर्फ एग्जाम के टाइम पर ही ध्यान देता हूँ, अदरवाइज यूट्यूब पर ही सारा दिन कट जाता है। उसके बाद पूजा सिंह पूछते हैं कि चैनल का कोई फ्यूचर प्लान। अभी तो कोई फ्यूचर प्लान नहीं है, लेकिन जो 100,000 का माइलस्टोन है उसको कम्प्लीट करना है पहले तो। एंड ग्लैड टू नो दैट अभी हमारे चैनल पर 72K सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, जो कि काफी अच्छी बात है। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखना तो फिर 100,000 सब्सक्राइबर्स भी बहुत ही जल्द हो जाएगा। उसके बाद टेक विद कंड्रे पूछते हैं कि भाई आप यूट्यूब करियर के बारे में क्या थिंकिंग रखते हो, इसे पार्ट टाइम रखना है कि फुल टाइम, एंड व्हाट्स अबाउट योर पेरेंट्स। भाई अभी तो मैं स्टूडेंट हूँ, दैट्स व्हाई यूट्यूब अभी पार्ट टाइम है, एंड फुल टाइम स्टडी कंप्लीट होने के बाद देख लेंगे क्या होता है। पेरेंट्स की बात करूँ तो फिर मैं इसको पार्ट टाइम रखा है, दैट्स व्हाई कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद टेक्नोमुनर पूछते हैं कि ब्रो आपके पास कौन सा लैपटॉप है और उसका प्राइस, और कौन सा एडिटिंग सॉफ्टवेयर यूज करते हो वीडियोस के लिए। और हाँ पता है कि इंटरेस्टिंग क्वेश्चन नहीं है, बट मेरे लिए बहुत काम का है, सो प्लीज आंसर माय क्वेश्चन। सो मेरा जो लैपटॉप है वो डेल कंपनी का है, एंड इसका प्राइस है लगभग 40K के आसपास, एंड मैं एडिटिंग सॉफ्टवेयर यूज करता हूँ कैमटेशिया 9। उसके बाद समीर पूछते हैं कि भाई आप कहाँ रहते हो। घर पे रहता हूँ। किडिंग, मैं रहता हूँ इंडिया का जो स्टेट है त्रिपुरा, उसका जो कैपिटल है अगरतला, वहाँ पर रहता हूँ। उसके बाद चंदन सिंह पूछते हैं कि हाउ मच यू अर्न। मैं यूट्यूब पर तो एग्जैक्टली नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन मैं आपको एक हिंट दे सकता हूँ कि मैंने इस पूरे यूट्यूब जर्नी पर जितना भी अर्न किया है उससे मैं एक OnePlus 5T खरीद सकता हूँ बस। सो भी आप समझ सकते हो कि अर्निंग कितना लो हो चुका है। उसके बाद सीतांशु रंजन पाल स्वपन पूछते हैं कि सर आपका फेवरेट IPL टीम कौन सा है और आपके फेवरेट प्लेयर कौन सा है। ऑनेस्टली मैं उतना क्रिकेट का फैन नहीं हूँ, बट मेरा जो फेवरेट प्लेयर है वो है विराट कोहली। उसके बाद देसी 2.0 पूछते हैं कि भाई पेरेंट्स को कैसे मनाया यूट्यूबर बनने के लिए। एनीवेज लव योर वीडियोस। पेरेंट्स को मनाने का ऐसा कुछ तो था नहीं, एक्चुअली मैं घर पे ही बैठा रहता था पहले टाइम पे, एंड मैंने सोचा कि खाली बैठकर क्या फायदा कुछ करते हैं, क्योंकि मुझे खेलने कूदने में उतना इंटरेस्ट तो था नहीं, दैट्स व्हाई मैंने इसको चूज किया। उसके बाद अनुराग जोशी पूछते हैं कि मेरे को कभी लोगे कोलैब में। भाई अभी कोलैब का कोई प्लान नहीं है, अभी 100K सब्सक्राइबर्स का जो माइलस्टोन है उसको पार करना है फर्स्ट ऑफ ऑल तो। उसके बाद ज्ञानदीप पूछते हैं कि व्हाट्स योर पेरेंट्स रिएक्शन आफ्टर सीइंग योर वीडियोस। उनके रिएक्शन की बात करूं तो फिर वो वीडियोस को देखते रहते हैं, उसके बाद देखते ही रहते हैं, और कुछ नहीं है। उसके बाद बिलीवेबल पूछते हैं कि पहली स्पॉन्सरशिप और रिव्यू यूनिट कब मिली थी एंड कितने डॉलर्स मिले थे। ये तो नहीं बोल पाऊंगा कि कितने डॉलर्स मिले थे, लेकिन हाँ स्पॉन्सरशिप तो मिला था कुछ ही दिन पहले। एंड अगर रिव्यू यूनिट की बात करूँ तो फिर मैंने जो प्रीवियस वीडियो पे एक ईयरफोन का रिव्यू किया था उस प्रोडक्ट को मुझे भेजा था बैंगुड ने, सो ये था मेरा पहला रिव्यू यूनिट। बाकी जितने भी मैंने रिव्यू किए थे वो मेरे खुद के पैसों से खरीदा हुआ प्रोडक्ट्स थे, और हाल ही में मुझे गियरबिस्ट ने एक प्रोडक्ट भेजा है उसका भी रिव्यू आने वाला है, सो स्टे ट्यून फॉर दैट। उसके बाद एक्सप्लोर साहिल पूछते हैं कि आपको एक यूट्यूब वीडियो बनाने में कितना टाइम लगता है। ये ऑब्वियसली वीडियो के टॉपिक के ऊपर डिपेंड करता है, कुछ वीडियोस एक ही दिन में बन जाता है एंड कुछ वीडियोस 2-3 दिन लगा देते हैं फिर भी कंप्लीट नहीं हो पाता, क्योंकि यहाँ पर वीडियो शूटिंग रहता है, उसके बाद वॉइस ओवर, उसके बाद मतलब टॉपिक सिलेक्ट करने में भी टाइम बहुत ही लग जाता है, एंड बेसिकली एडिटिंग पे बहुत ही टाइम लग जाता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। शायद मैंने सभी के क्वेश्चन के आंसर दे दिया है। मैं फिर से बोल देता हूँ कि अगर आपको भी कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो फिर आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन पर #AskKai लिखकर कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, मगर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन पर ही पूछना, क्योंकि मैं इस Q&A सेशन को बहुत
बहुत ही आगे ले जाने वाला हूँ। सो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आता है तो फिर इस वीडियो को लाइक कर देना। ऐसा तो कुछ था नहीं, फिर भी बोल रहा हूँ कि लाइक कर देना, एंड शेयर करने वाला तो कुछ था नहीं, फिर भी शेयर कर देना। एंड जो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब करें। मिलता है और एक ऐसे एक्साइटेड वीडियो के साथ। सो गुड बाय।